नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। सैथवार मल सभा के द्वारा 11 फरवरी को चंपा देवी पार्क में भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में सैथवार मल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार ने बताया कि हम लोग 11 फरवरी को सैथवार मल महारैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आ रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है। इस महारैली के सफल होने के बाद हम लोग अपने समाज के साथ बैठक करके ये सुनिश्चित करेंगे कि आगामी चुनावों में हमें किसकी सरकार चुनी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का समाज राजनीतिक भागीदारी, प्रशासनिक भागीदारी में समाज पीछे है, जिसके अंतर्गत ये महारैली बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि मेरे समाज के लोगों से अपील है कि इस महारैली में आकर इसको सफल बनावें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सैथवार मल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार ने कहा, जैसे 11 फरवरी को सैथवार मल सभा द्वारा सैथवार मल भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन है। उस महारैली में हमारे सभी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं और उस महारैली को सफल बनाने के बाद हमारे समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर के जो निर्णय होगा, चूँकि हम लोगों जो है आज तक प्रशासनिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी में मेरा समाज सबसे पीछे है, उसी की रणनीति के तहत ये सैथवार मल भागीदारी संकल्प महारैली बुलाई गई है। और ये महारैली करने के बाद हम लोग सभी समाज के लोग बैठेंगे और बैठ करके आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। 2024 चुनाव से पहले इस तरह की रैली करना क्या माना जाए? 24 में चुनाव में भी प्रत्याशी उतारेगी सैथवार मल सभा? नहीं, सैथवार मल महासभा द्वारा प्रत्याशी नहीं उतारी जाएगी, लेकिन सैथवार मल महासभा द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि किसको हमको वोट करना है, किसको नहीं करना है। ये निर्णय रैली के बाद हम लोग करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे लोग उसे समाज के? देखिए, मैं अपने समाज के सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग इस संगठन को मजबूत करिए और 11 फरवरी को आकर के चंपा देवी पार्क में सैथवार मल भागीदारी संकल्प महारैली को सफल बनाइए। गोरखपुर से माघ मेले के लिए 400 बसें चलाई जा रही हैं, जिसके संबंध में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि माघ मेला में 400 बसों को डिप्लॉय किया गया है। हम लोगों ने पिछले साल जितनी बसें लगी थी उतनी बस इस साल भी लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां से सवारियां निकलती हैं वहां पर परिवहन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दिया है। मेरी उम्मीद है कि दोपहर बाद से अच्छी संख्या में लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गोला, खजनी, बड़लगंज से ज्यादा लोग स्नान के लिए जाते हैं। हम लोगों ने हर पर 20 से 25 गाड़ियां लगाई हैं। आगे जैसी भीड़ मिलेगी गाड़ियों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने कहा, माघ मेला को लेकर हम लोगों की पूरी तैयारी है। लगभग 400 बसेस को हम लोगों ने डिप्लॉय किया है और इस बार जैसे पिछली बार के हमारे जो एक्सपीरियंस थे उसी हिसाब से हम लोगों ने जहाँ जहाँ से सवारियाँ निकलती हैं वहाँ से हम लोगों ने सबकी ड्यूटी तय कर दी है और उम्मीद है कि आज दोपहर बाद से अच्छी संख्या में लोग निकलेंगे। तो खजनी, बासगांव, गोला, सिकरी, ये सब जो स्पॉट्स हैं और इसके अलावा बस्ती से जो यात्री निकलते हैं और जो हमारी इंटरसेप्टर वगैरह टीम है उनकी भी ड्यूटी हम लोगों ने लगा दी है। यात्रियों की जो भी उपलब्धता रहेगी, जैसे हम लोगों ने हर पॉइंट पर 20-25 गाड़ियाँ लगाई हैं, 400 गाड़ियों का इसी तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो जैसे जैसे वहाँ पे जो लोग डिप्लॉयड हैं वो बताएंगे कि कहाँ कितनी भीड़ है, उस हिसाब से हम लोग बसेस भेजते जाएंगे। सर, पॉइंट भी बनाया गया कि कहाँ पे बसें रुकेंगी इसको लेके? हाँ, अभी जैसे हमने बताया कि यहाँ पे जहाँ भी हम लोगों ने पॉइंट निश्चित किए हैं वहाँ पे कार्मिक तैनात हैं, वहाँ पे हमारे टेंट लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो जानकारी दे सकें जो यात्री वहाँ से जाते हैं। तो मेनली हमारा उरवा, गोला, खजनी, बासगांव, ये वाला जो सेक्टर है सहजनवा के बाद का, उस वहाँ से यात्री ज़्यादा निकलते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे बस स्टेशनों से निकलते हैं। तो हर जगह पे हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट कर रखा है और जैसे जैसे ही यात्रियों की उपलब्धता रहेगी उस हिसाब से हमें बसेस उसे डिप्लॉय कर देंगे। इसके अलावा हमारा जो एक मेला पॉइंट रहता है प्रयागराज में, तो वहाँ पे भी लोग जो है पहुँच गए हैं जो इनकी ड्यूटी थी, तो वो लोग भी जब वापसी होंगी तो वो बताएंगे। तो जैसे यहाँ से बसेस यात्री जाएंगे वहाँ पे जो हमारे लोग लगे हैं वो वापस करा देंगे बसेस को, ताकि वापस से हम दूसरे राउंड में बसेस भेज सकें। सर, यात्रियों से अपील करना चाहिए? यात्रियों से अपील है कि परिवहन निगम अपनी पूरी तैयारी के साथ है। अगर किसी को किसी तरह की असुविधा होती है तो सबके बस के अंदर हमारे ARM RMSM के सबके नंबर लिखे हुए हैं,
वो उस पर अपनी जो भी कोई दिक्कतें हैं वो कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है कि साफ़ सुथरी स्वच्छ अच्छी बसें जिसमें सारे मानक पूरे हैं वो उपलब्ध हो सके। किसी प्रकार की कोई भी सहायता अगर चाहिए तो जहाँ भी पिकिंग पॉइंट पे लोग हैं उनसे बता सकते हैं, या आप जो है कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में मंगलवार को अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में काशी विद्यापीठ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राम मूर्ति चतुर्वेदी ने बताया कि ये सनातन धर्म के संवर्धक सभी तत्वों पर प्रकाश डालने वाली संगोष्ठी है। वेद अर्थ का अनुशील शास्त्रों द्वारा कैसे कैसे होता है, इस पर भारत के विभिन्न कोने से वेद के विद्वान आए हुए हैं, इस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेद भारत का प्राण है और वेद के द्वारा प्रतिपादित जो सनातन धर्म है वही सनातन धर्म है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, जिस पर चर्चा की जा रही है। कई उदाहरण को सुना है और हम सभी जानते भी हैं। इसके एक उदाहरण को स्थूल परिषद की स्थूल ये आठ उदाहरण हो जाएगा। वहाँ पे गौरी को प्रकृति या पूर्व मदम से प्रकृति स्तर होकर के अंतोदात होगा। तब स्थूल शब्द परिषद धब्बों का विशेषण होगा, अर्थात मोटे धब्बों वाली अनंत वाली का यहाँ पर ग्रहण होगा। जितनी पद्धतियां हैं उसमें दो पद्धतियां हैं प्रचलित है, एक कंठस्वर और एक है हस्त संचार। कंठस्वर से जब हम स्वरों को दर्शाते हैं तब हम स्वरों को ऊपर नीचे उदात्त अनुदात्त स्वरित को करके हम दिखाते हैं, और जब हम हस्त संचालन से दिखाते हैं तो इस प्रकार उदात्त अनुदात्त और स्वरित को इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, जिसको हमें वेद पाठ्य ब्राह्मणों के निरंतर संपर्क में रहने से उनसे सीखने से हमें यह संभव हो जाता है। यह जो उदात्त है इसको जब हम कंठस्वर से दर्शाते हैं तो जैसे एक मंत्र मैं आपको सुनाती हूँ, जैसे कि अग्निमे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजम् हमने इसको दर्शाया है मंत्रों में, और यह हमारी बहुत बड़ी समृद्ध विरासत है हमारे भारतीय संस्कृति की, जिनको ऋषि मुनियों ने सस्वर विधि से आज तक वेद मंत्रों को सुरक्षित रखा है, और इनको जब हम वेद इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए काशी विद्यापीठ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी ने कहा, सनातन धर्म के संवर्धक सभी तत्वों पर प्रकाश डालने वाली संगोष्ठी है। वेद के अर्थ का अनुशीलन शास्त्रों द्वारा कैसे कैसे होता है, इस पर जो है भारत के विभिन्न कोणों से विश्वविद्यालयों से वेद के विद्वान आए हुए हैं और उस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? संदेश यही देना चाहते हैं कि वेद भारत का प्राण है और वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है वही सनातन धर्म है। उसी सनातन धर्म से न केवल मनुष्य मात्र का अपितु संपूर्ण प्राणी मात्र का उपकार हो सकता है, इसी पर विचार मंथन चल रहा है। मेरा नाम प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी, काशी विद्यापीठ वाराणसी से आया हूँ, इस समय सेवानिवृत्त आचार्य हूँ। मैं प्रोफेसर छाया रानी, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज यहाँ पर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रही हूँ यह कि यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित महर्षि सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा प्रायोजित वेदार्थ के अनुशीलन में शास्त्रों की प्रयोजनीयता विषय पर यहाँ पर संगोष्ठी आयोजित की जा रही है जो राष्ट्रीय है, और इसमें यह बताने का प्रयास शोधार्थियों द्वारा या बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है कि वेदार्थ के ज्ञान में सभी शास्त्रों की, आरण्यक की, उपनिषद की, वेदों की, पुराणों की क्या उपादेयता हो सकती है, जिसकी आज के हमें आज के युग में इसकी महती आवश्यकता है, और विश्वविद्यालयों में ऐसे संगोष्ठियों के माध्यम से
यह प्रसार किया जाना आवश्यक है कि वेद में सभी कुछ उपलब्ध है जिनकी हमारे वर्तमान समाज को आवश्यकता है, और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर भी ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर वेद की प्रयोजनीयता का विशेष आज के युग में कार्य चल रहा है। सभी को इसके ज्ञान की आवश्यकता है, लोग इसको जाने, इसके अंदर समाहित रत्नों को आलोडित करें और उससे कुछ निष्कर्ष तक पहुंच सकें और सुख और समृद्धि का पूर्वक जीवन यापन कर सकें। इसकी पटरी व्यवसायियों ने आरके बीके के पास स्थानीय नागरिकों के द्वारा वेंडिंग जोन में ताला मारे जाने पर अपर नगर आयुक्त के पास पहुंचकर शिकायत की, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि पटरी व्यवसायियों को आरके बीके के पास वेंडिंग जोन बनाकर जगह उपलब्ध करवाया गया था, जिससे सड़कों पर जाम ना लगे। उन्होंने कहा कि पटरी व्यवसायियों द्वारा शिकायत की गई है कि कुछ लोगों के द्वारा उस जगह पर ताला मार दिया गया और पैसों की डिमांड की जा रही है, जिससे जांच के लिए अधिकारियों को भेजा जा रहा है, जिससे इनकी आजीविका प्रभावित ना हो। हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि इनको व्यवस्थित किया जाए। वहीं इस अवसर पर पटरी व्यवसायी संघ के जिलाध्यक्ष संदीप कुमार मदीशा ने कहा कि मोहद्दीपुर में आरकेबीके के पास नगर निगम की तरफ वेंडिंग जोन बनाया गया था, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, वहां पर तालाबंदी कर दिया गया है, जिसकी हम लोगों ने शिकायत अपर नगर आयुक्त से की है। उन्होंने मामले की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा पटरी व्यवसायी संघ के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार मदीशिया ने कहा, नहीं अवैध वसूली नहीं है, आज उन लोगों ने लगाने से कुछ लोगों ने मना किया है, इस तरीके की शिकायत अभी आई है, तो अभी हमने हमारे जो रेंट टीम है उसको मैं भेज रहा हूँ वहाँ पर कि जाके वस्तु स्थिति का पता करें और समस्या का समाधान कराएं। सर वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा तालाबंदी भी कर दी गई है? नहीं नहीं, यही जो अब स्थानीय लोग आप कर रहे हैं, हम लोग यही पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं। अभी हमारी टीम जा रही है और जो लोग आए थे उनको भी अभी मौके पर भेजा गया है और वो लोग जा करके अभी इस समस्या का समाधान करें। सर इस तरीके की समस्या सर कई जगहों पर देखने को मिली? नहीं, कई जगहों पर नहीं है ये, हम लोगों ने, आपको मालूम होगा कि इस पूरे नगर में जो वेंडिंग करने वाले लोग हैं उन लोगों को सुव्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने इस शहर के तमाम ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है कि जहां पर इनको ले जाकर व्यवस्थित रूप से बसाया जा सके और इनकी आजीविका भी प्रभावित ना हो। आपको संज्ञानित होगा कि चकबंदी कार्यालय के पास हम लोगों ने इनको बसाने का कार्य किया, सिटी मॉल के आगे एक जगह हम लोगों ने खाली करा जो शहर के बड़े ही मुख्य जगहें हैं। तो हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि जो भी इस तरीके के सड़कों पर लगाने वाले रेहड़ी पटरी व्यवसाय करने वाले लोग हैं इनको व्यवस्थित तरीके से सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा करके इनका जीवन यापन हम बेहतर करें, उसी की दिशा में ये प्रयास है और उसी की दिशा में ही आरकेबीके के पास वाली जगह भी खाली करा के हम लोगों ने इनको दी थी, लेकिन अगर कोई समस्या आई है तो उसका नियमानुसार हम समाधान कराएंगे। अभी जो जैसे मोहद्दीपुर में आरकेबीके के पास वेंडिंग जोन नगर निगम के तरफ से दिया गया था, उसमें अवैध वसूली के लेकर प्रतिदिन इनको धमकियां मिल रही थी और आज वहां पर ताला बंद कर दिया गया है वेंडिंग जोन में। इसी के लेकर हम लोग नगर निगम में अपर नगर आयुक्त साहब से मिले हैं, उन्होंने एक घंटे के लिए आश्वासन दिया है कि एक घंटे वहां पर पहुंचकर हमारी टीम पहुंचेगी और वहां पर जांच हम लोग करेंगे, अगर वैसा होता है तो ताला खोलने के काम करेंगे, यही आश्वासन। हाँ वहाँ पर वहाँ के लोकल कुछ लोग हैं, 4-5 लोग आते हैं प्रतिदिन और अवैध वसूली के दबाव बनाते हुए उन्होंने वो ताला बंद कर दिया, नहीं देने पे मारपीट करने पे उतारू हो जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार मदेसिया, पटरी व्यवसायी संघ अध्यक्ष। करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सीडीओ को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में बीसी सखी वंदना पांडे ने बताया कि हम सभी बीसी सखी हैं, हम लोगों को कार्य करने के लिए डिवाइस उपलब्ध करवाया गया, हम लोगों को कार्य करने में तमाम प्रकार की समस्या आ रही है, हम लोग घर घर जाकर बैंक के माध्यम से खाता खोलते हैं लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, इसलिए हमारी मांग है कि कार्य करने के लिए लैपटॉप उपलब्ध करवाया जाए, हम लोगों को 75 फंड दिया गया था इसको माफ़ किया जाए और हमारा वेतन नियमित किया जाए, लेकिन हमारी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हमारी सीडीओ से मांग है कि मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात करवाया जाए जिससे हम अपनी बात को कह सकें। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए बीसी सखी वंदना पांडे ज्योति सिंह ने कहा, आप लोग आए? सर हम लोग बीसी सखी हैं और हम लोग आए हैं 75,000 रुपये माफ़ी के लिए और हम लोग परमानेंट सैलरी के लिए आए हैं और जो डिवाइस है डिवाइस को हमको नहीं चाहिए, हमको लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा अवेलेबल करवाई जाए और गवर्नमेंट ने जैसे हम लोगों का। अच्छा आप बताइए, सब लोग कहते हैं कि भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित है, क्या ये महिलाएं सुरक्षित हैं?
रन्नू ये बताओ, लोग कहते हैं भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित घर से लोग निकली हैं, क्या घर वाले डांटते बोलते नहीं होंगे कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं? हम लोग यही गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, योगी सरकार से, वो जैसे बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित, हम लोग असुरक्षित हैं, हम लोगों के साथ धोखा हुआ, 75,000 रुपये खुद हमको दिए, हम इससे ब्याज भी ले रहे हैं, उसके बाद से वो खुद मिला जुला के उन्हीं के काम आया, हम लोगों को नहीं, उन्हीं के काम आया, वो दिए भी लिए भी फिर भी उल्टे मांग रहे हैं। क्या मांगे हैं मुख्य मांग? मुख्य मांगे ये है 75,000 रुपए माफी प्लस परमानेंट सैलरी, और ये जो ढक्कन है इसको डिवाइस बदल करके हम लोगों को काम क्या लिया जाता आप लोग? हम लोग से बैंकिंग काम लिया जाता, जो बिग बैंक करता है वही हम मिनी बैंक करते हैं, सही है ना? हाँ, खाता खोलते हैं, घर घर जाके काम करते हैं, घर में बैठ के नहीं करते, घर घर जाके खाता खोलते हैं, किसी के यहाँ अगर कोई बीमार है तो उसके हम लोग खुद जाके पैसा निकलवाते हैं, बीमा करते हैं, ए टू जेड वर्क हमारा है, और हम लोगों का ना कोई सैलरी है ना कोई कमीशन है, और बैंक भी इतना दूरी है कि घर से पैसा लगा करके हमको बैंक में भी जाना पड़ता है। यही बताया गया था कि आप लोगों को 75,000 रुपए सैलरी मिलेगी, वो 75,000 रुपए, नहीं नहीं 75,000 रुपए गवर्नमेंट, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले ये हुआ था 75,000 रुपए गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 75,000 सपोर्ट फंड दे रही है, उसके बाद 6,000 रुपए सैलरी हमारी मिलेगी, उसके बाद कमीशन हमारा बढ़िया मिलेगा, बस कुछ नहीं पांडे सिंह है। हम लोग का दो मुख्य मांग है, हम लोग का 75,000 जो सपोर्ट फंड दिया गया था उसे माफ़ किया जाए, और हम लोग का सैलरी नियमित किया जाए, क्योंकि हमारी बहन बहुत नाराज़ है और हम लोग खुद मुख्यमंत्री के सार में होते हुए मंत्री जी से मिल नहीं पाते हैं। जो कमीशन आता हम लोग का किराया लग जाता, हम लोग का बैंक का जो भी काम होता है वो सारा काम हम लोग भी करते हैं, आधार कार्ड से लेन देन करते हैं, खाता भी खोलते हैं, बैंक का जो भी काम होता है वो सारा काम हम लोग भी करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अंशिका वर्मा को सीओ कैंट बनाए जाने पर आज मंगलवार को सीओ कैंट अंशिका वर्मा कैंट और कोतवाली पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अंबेडकर चौक से शास्त्री चौक तक रूट मार्च किया और जाम की समस्याओं से नागरिकों को निजात दिलाने के लिए सबसे पहले सड़क के किनारे अवैध रूप से सवारी भरने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालकों को चेतावनी दी। उसके बाद अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम के साथ मिलकर अभियान चलाने की बात कही। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने कहा, मेरे और थाना कैंट की टीम द्वारा यहाँ पे रूट मार्च किया गया ताकि जो जाम की समस्या और एक एंड क्षेत्र में उसको कम किया जा सके, और नगर निगम के साथ आगे मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।